सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिले टेक एंड ट्रेवल वीडियो सबसे पहले। व्हाट इज आर्टिकल 13? आर्टिकल 13 लागू होने वाला है, सारे चैनल बंद हो जाएंगे। ये सारी बातें आपको यूट्यूब पर सुनने को मिल रही होंगी। मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाना नहीं चाहता था, मैं आज किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाने का प्लान कर रहा था, लेकिन पिछले दो दिन से जो मैं बड़े बड़े क्रिएटर्स की जिनके मतलब 100K से भी ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं उनकी भी वीडियो देख रहा हूँ, तो यार सब वो लोग यही कह रहे हैं कि आर्टिकल 13 लागू होने से आपका चैनल बंद हो जाएगा। तो बस मैं आपकी जो ये कन्फ्यूज़न है इसको दूर करने वाला हूँ और दूर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके पास कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन पहुँचे। पहली बात तो हम बात कर लेते हैं कि आर्टिकल 13 क्या है। आर्टिकल 13 है हमारे किसी भी कॉपीराइट ओनर के लिए। मान लीजिए अगर मेरी कोई वीडियो है या फिर मेरा कोई म्यूज़िक है या फिर मेरा कोई लिरिक्स है, अगर हम उसको यूज़ करते हैं, कोई और बंदा यूज़ करता है, तो मुझे पूरा हक है उसे स्ट्राइक देने का और उसकी वीडियो डिलीट करवाने का। तो यही जो रूल है वो लागू कराने की कोशिश हो रही है आर्टिकल 13, इसको नाम दिया गया है, और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा उन लोगों का जो कवर सॉन्ग्स बनाते हैं या फिर कहीं से भी किसी की वीडियो उठाकर डाल देते हैं। इससे कंपनी को नुकसान होता है और कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता है। तो ये सब लागू करने की बात हो रही है यूरोपियन कंट्रीज़ में। जी हाँ, साफ साफ वहाँ पर बोला गया है यूरोपियन कंट्रीज़ में ही इन सब को लागू करने की बात हो रही है। इंडिया पे इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप अगर टेक इनसाइडर की वीडियो जाकर के देखिए, उसका लिंक मैं आपको नीचे वीडियो में दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से उनकी वीडियो जाकर के देखिए। उन्होंने साफ साफ कहा है कि यूरोपियन कंट्रीज़ को इससे फ़र्क पड़ने वाला है, सिर्फ इंडिया की जितनी भी कंट्री जो स्टेट्स हैं या फिर एशिया के जितने कंट्रीज़ हैं उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यूरोप में मेरे ख्याल से 25 से 30 के बीच में कंट्रीज़ हैं, सिर्फ वहाँ पर ही इन कंट्रीज़ में इस रूल को लागू किया जाएगा इस साल के लास्ट तक, यानी कि 2000 के लास्ट तक इस रूल को लागू कर दिया जाएगा। और वहाँ पर जो टेक इनसाइडर में जिन्होंने भी मतलब इस वीडियो को रिप्रेजेंट किया है, उन्होंने गुजारिश की है वहाँ के लोगों से कि सेव योर इंटरनेट हैशटैग से नाम से अपने ट्विटर पर आप एक कंपेन चलाइए, मूवमेंट चलाइए, और सभी लोग जितने भी क्रिएटर्स हैं वहाँ के सेव योर इंटरनेट हैशटैग लगा करके अपने को ट्वीट कीजिए, ताकि आपका जो इंटरनेट है या फिर आप सोचते हैं कि जिन वीडियो को हम लव करते हैं, जैसे कि डेस्पासिटो नामक सॉन्ग है, अगर हम उसको भी सर्च करते हैं तो अगर ये रूल लागू हो गया तो उसके बाद आपको वो देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये आर्टिकल 13 को इतना बड़ा हवा बनाया जा रहा है। फिलहाल बात यह है कि इससे इंडिया पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने का, हमारे सिर्फ हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जो जितने लोगों ने वीडियो बनाई है किसी ने भी पूरी बात नहीं कही। मैंने पूरी सर्च करने के बाद आपको मैं वीडियो बना करके दे रहा हूँ, और अभी मैंने YouTube इंडिया को, YouTube को, और यहाँ तक कि पूरी YouTube कम्युनिटी को ट्वीट किया है कि क्या इससे इंडियन क्रिएटर्स को फ़र्क पड़ेगा। उनके ट्वीट का रिप्लाई आने के बाद मैं आपको वो ट्वीट भी शो कर दूंगा। अगर आपने मेरा जो ट्विटर पर फॉलो नहीं किया मुझे, तो आपको मुझे लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का भी और फेसबुक पेज का भी, वहाँ जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। बाकी मैं आपको बताऊं कि ये जो ट्वीट किया था ये कभी ना तो यूट्यूब इंडिया ने किया है ना फिर यूट्यूब कम्युनिटी ने किया, ये ट्वीट किया गया है सिर्फ यूट्यूब के द्वारा, जो ऑल वर्ल्ड यूट्यूब चलाता है, 71 मिलियन फॉलोवर्स हैं ट्विटर पर। उन्होंने ट्वीट किया था कि सेव योर इंटरनेट के नाम से वीडियो डाली हुई है, और उनके ट्वीट आप चेक करेंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये जो कंपेन है, ये जो आर्टिकल है, ये जो मूवमेंट है, वो सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए है, ना कि हमारे लिए। हम आते हैं एशिया में, और जाहिर सी बात है कि एशिया के लिए ऐसा कोई अभी भी आर्टिकल तैयार नहीं हुआ है। फिलहाल तैयार हो या ना हो, हमारे यहाँ तो वैसे भी स्ट्राइक आ जाती है यार, कोई भी हमारी वीडियो टेक डाउन कर लेता है, यहाँ तो कॉपीराइट पहले से चल रहा है, लेकिन वहाँ पर थोड़ा इसको हार्ड कर दिया गया है और थोड़ा उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाया गया है, ताकि जो वहाँ पर पब्लिशर्स हैं, जो ओरिजिनल कंटेंट ओनर्स हैं, उनको नुकसान ना हो, उनको ज़्यादा नुकसान ना हो। तो बस यही आर्टिकल 13 का मतलब है। आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंडियन क्रिएटर्स पे इस पे जरा सा भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पता नहीं क्यों लोग इसके ऊपर इतने हवा बना करके इसको वीडियो बना करके बैठे हैं। तो उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर आपको ओरिजिनल और जेन्युइन कंटेंट देते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।